दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम, बात हो पाएगी हकीम साहब से? बिल्कुल, बात जी, कीजिए। बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार गुरु जी। जय हिंद, आपका स्वागत है। बताइए, क्या सवाल है भाई? हाँ, दोनों, एक तो ये सेफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक तो गुरु जी, ये आज उस दिन जो सवाल किया था ना नमक के बारे में, वही उसमें मैं वो समझ नहीं पाया कौन सा नमक लेना है, काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है या डेले वाला लेना है, एक आयोडीन वाला, चार वैरायटी है, इसमें कौन सा नमक सही रहेगा जी। और एक सवाल ये था गुरु जी, वो मम्मी जी के बारे में पूछा था मैंने आपको, वो जो गर्भाशय के बारे में पूछा था, हाँ एक वो है, वो समझ नहीं पाया था, मैं लिख नहीं पाया था, आपने क्या बताया था गुरु। ठीक। अरे अच्छा, गुरु जी, ये है कि जैसे छाछ है, जैसे आप बताते हो ना ये सिरका बनाना होता है, तो इसमें हम छाछ और तांबा मिला सकते हैं, जैसे वो जिस चीज का भी हमें बनाना हो, जैसे पौधे पे डालते हैं तो उसमें छाछ और तांबा मिला देते हैं तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसको स्प्रे करते हैं तो उससे सारे कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं, तो ठीक है एलोवेरा ठीक। के उसमें ये मिला सकते हैं, जैसे सिरका बनाना होता है आप बताते हो, बन उसको बाल्टी में रख देते हैं, क्या ठीक है ये मिला ठीक। सकते हैं, ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताया था नुस्खा टीवी पे शाम को जो बताया था, एक इसके बारे में पूछा है गुरु। ठीक है। अच्छा, देखिए, तांबा नहीं मिला सकते। सिरके में तांबा नहीं मिला सकते, वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है। और तांबा दरअसल जहरीला होता है। इसको बस किसी भी एसिड में, यानी ना नमक डाल सकते हैं इसमें, ना कुछ और ऐसा एसिड। तांबा उससे रिएक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है, तो तांबा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। और क्या पूछा है? नमक के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, नमक याद तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बताया। मैं हमेशा नमक जैतून की सिफारिश करता हूँ। नमक जैतून आप लिख लें, नमक जैतून असली लें। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है। देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। एक चुटकी दिन में एक बार या दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, माता जी को लेके सवाल था, गर्भाशय उनका बाहर आ गया था। हाँ, तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है कि गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो जितने दुनिया में ड्राई फ्रूट हैं उनमें सबसे महंगा आता है, और उसका गौन उससे भी महंगा आता है। लेकिन 10-20 रुपए रोज की दवा से ज़्यादा नहीं होता है। बस एक चुटकी गौन चिलगोजा उन्हें खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया करें आपकी माता जी के लिए, ये नुस्खा।